सो अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. सो दिस टाइम बेटा जीके का वर्क करेंगे हम ऑरल में. दिस टाइम इज जीके ऑरल टाइम, जिसमें आज हम बेटा रिवीजन करेंगे सी एनिमल्स की. किसकी प्रैक्टिस करेंगे हम? रिवाइज करेंगे सी एनिमल्स. ओके, तो सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी. सी होता है बेटा समंदर, जिसमें बहुत सारा वाटर होता है, बहुत ज़्यादा. हम इसको सी एनिमल्स भी कहते हैं, हम इनको वाटर एनिमल भी कहते हैं. सी मतलब समंदर, एनिमल्स जो सी में रहते हैं. तो जो सी में रहते हैं या वाटर एनिमल जो पानी में रहते हैं, उनको हम आज रिवाइज करेंगे. इससे पहले हमने बेटा पहले किया था वाइल्ड एनिमल. तो वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं? जो जंगल में रहते हैं, तो वो उनको बोलते हैं वाइल्ड. वाइल्ड मतलब जंगलों में रहने वाले एनिमल्स. फिर हमने किया था पेट एनिमल. पेट मीनिंग जो हमने वो एनिमल्स जो हम अपने घरों में रखते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको हम कहते हैं पेट एनिमल. तो अभी तक हमने किया पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल. नाउ दिस टाइम हम करेंगे सी एनिमल, जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं. ओके, तो हमने पहले भी इसको किया है, तो आज हम फिर रिवाइज करेंगे. तो कौन कौन से होते हैं सी एनिमल्स? मैम आपको पास से शो करते हैं. विच सी एनिमल? फिश. ये तो हमें पता ही है सबसे पहले कि फिश जो है वो वाटर के बिना नहीं रह सकती. यदि हम इसको बाहर थोड़ी टाइम की निकालें, यस. और विच एनिमल इज दिस? वेल. जो वेल होता है, दिस इज द लार्जेस्ट सी एनिमल, सबसे लार्जेस्ट सी एनिमल है. जैसे हमने लार्जेस्ट लैंड एनिमल किया था एलिफेंट, सबसे बड़ा लैंड एनिमल, तो ये सी एनिमल. नेक्स्ट इज विच एनिमल इज दिस? शार्क. जब आप ध्यान से देखें तो शार्क के जो टीथ, वेरी गुड, इसके टीथ जो हैं, यस बेटा वेरी गुड, इनके टीथ जो इतने होते हैं शार्क के, यदि यदि कोई ह्यूमन बीइंग भी इनके माउथ में आ जाए तो ये उसको ऐसे जहां से कट कर देती है. और जी ठीक है. नाउ दिस इज आल्सो फिश, बट इसको क्या कहते हैं? डॉल्फिन. ये कौन सी है बेटा फिश? डॉल्फिन. ये बड़ी फ्रेंडली होती है, और हमारी जैसे हम करें तो इनको सिखाते भी हैं. आपने देखा होगा टीवी में, जो इनको सिखाएं तो वो जो सीख भी जाती है. दिस इज डॉल्फिन. नेक्स्ट हम बेटा मूव करते हैं. विच सी एनिमल इज दिस? ऑक्टोपस. ऑक्टोपस यदि आप ध्यान से देखें तो इसकी जो लेग्स होती हैं, हाउ मेनी लेग्स आर देयर? एट. एट लेग्स होती हैं. जैसे हम क्वेश्चन भी पुट है कि विच एनिमल हैज एट लेग्स, तो ऑक्टोपस की कितनी होती हैं? एट लेग्स. नेक्स्ट इज सी हॉर्स. ये कौन सा सी एनिमल है? सी हॉर्स. इसको सी हॉर्स क्यों कहते हैं? ये आप ध्यान से देखें तो ये यस, इसकी जो बेटा फेस है, इसकी बॉडी है, वो हॉर्स की तरह है, बट ये सी में रहता है, समंदर में रहता है, तो इसके लिए इसको कहते हैं सी हॉर्स. नेक्स्ट हम टर्न करते हैं टर्टल. वी सी एनिमल इज दिस? टर्टल. वेरी गुड. एंड वी सी एनिमल? क्रोकोडाइल. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. इसकी तो फेस से पता, स्टार फिश, क्योंकि जो स्टार की तरह लगती है, तो इसको हम कौन सी फिश कहते हैं? स्टार फिश. हाँ, स्टार जैसी दिखाई देती है ना, स्टार ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नाम है स्टार फिश. दिस इज जेली फिश. ये देखिए इसकी जेली, जेली ये होती है जेली फिश. ये शाइन भी करती है कई बार रात को. नेक्स्ट इज सील. विच एनिमल? सील. एंड विच एनिमल इज दिस? क्रैब. ओके, तो ये हमने किया है. तो जहां पर मेरे पास एक छोटी सी पजल भी है,
जिस पजल में ये देखिए सी एनिमल्स है, ये दिस इज पजल गेम। आप कई बार टॉयज परचेज करते हो ना, तो ये ऐसे ही टॉयज है, बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है, उनको पता भी चलता है और खेलते खेलते इसको सीखते हैं। खेलते खेलते जो देखे सबसे पहले ये मैम पजल निकालते हैं, फिर मैम रिपीट करते हैं, आप मैम के पीछे बोलेंगे सील। ये देखे फ्रेंडली है, इसको सिखाना भी इजी होता है, ये भी फ्रेंडली होता है सी एनिमल। अब मैंने इसको लगा दिया, आज बच्चों ने खेलते खेलते इसको सीखा है। नेक्स्ट इज फ्रॉग, ये जंप करता है ना ऐसे 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 ऐसे। अब जंप करके इसको हम वापस जहां पर लगा देते हैं। नेक्स्ट इज सी हॉर्स, ये देखिए हॉर्स कितना लग रहा है, तो ये भी वापस चला जाएगा। ये आप ध्यान से देखिए तो सारे वाटर में है। नेक्स्ट इज फिश, फिश फिश कह रही है मुझे बाहर मत निकालो वाटर से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए इसको हम जल्दी से फिर वाटर में रख देते हैं, फिश। नेक्स्ट इज टर्टल, टर्टल स्नेल है, ओके बेटा दिस इज स्नेल, सॉरी बेटा दिस इज स्नेल, वी सी एनिमल स्नेल। ये भी हम वापस इसको जहां पर लगा देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वैक क्वैक, दिस इज डक, वेरी गुड, ये भी वाटर एनिमल है। दिस इज टर्टल, टर्टल इसका बेटा जो शेल होता है ना टर्टल का, वो इतना मजबूत होता है कि यदि इसके ऊपर से कोई भी हार्ड चीज, बारी से बारी चीज भी निकल जाए तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है इस शेल के अंदर, तो जी इसका गॉर्जिन इसको प्रोटेक्शन दी होती है। वैसे तो सब एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिली होती है। दिस इज ऑक्टोपस, तो आप ध्यान से काउंट करेंगे तो इसकी 8 लेग्स हैं, ऑक्टोपस। नेक्स्ट इज हाँ जी शार्क, जैसे इसके टीथ शो होते हैं, शार्क के जो टीथ होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट जैसे है, अभी हमने शो किया था स्टार फिश, ये स्टार की तरह लगती है। हाँ तो ऐसे हम विद द हेल्प ऑफ पजल हम यस ये है सारे सी एनिमल्स, ये वाटर के बिना नहीं रहते। ये देखे ये वाटर बनाया हुआ है कि सारे एनिमल्स इस सी में रहते हैं, तो इसको हमने लर्न किया। ओ वाओ अच्छी बात है ना, कि यदि हम कुछ खरीदते हैं तो ऐसा खरीदना चाहिए कि जिसके साथ हम कुछ सीखें भी, है ना। कई बार हम कहते हैं हमें टॉयज चाहिए, तो कुछ बच्चे क्या है जैसे ये पजल गेम है, ऐसे उनको पता भी चलता है, उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। ये देखिए इसके पास बेटा व्हाट योर नेम, प्रणव, प्रणव भार्गव के पास कितने सारे सी एनिमल्स हैं। वाओ शो मी टर्टल, वाओ कितने सी एनिमल्स रखे हुए हैं। आपको सबका नेम पता है, इसका नेम बताएं, चले मुझे बताएं नेम्स, चले हम देखते हैं। वेरी गुड वाओ, नहीं बेटा ध्यान से देख, टर्टल, ऑक्टोपस, सी, वेरी गुड, वेरी ओ वाओ, ओ वाओ, प्रॉन, प्रॉन ठीक है, क्रैब, वेरी गुड, सी हॉर्स आगे ऊपर करें, वेरी गुड, आपके तो बहुत सुंदर टॉयज हैं। जी कौन सा है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओह वाओ वेरी गुड जी। इसके लिए तो आपको बेटा जी बड़ा सारा कोई गिफ्ट मिलना चाहिए, तो आपको मिलता है गोल्डन गोल्डन कैंडल फॉर योर, आपने बहुत अच्छी तरह से रेकोगनाइज किए, और मम्मा को भी थैंक्स करते हैं जो आपके लिए इतने अच्छे टॉयज लेकर देते हैं, लेके दिए ना मम्मा ने इतने अच्छे टॉयज, आपने टॉयज के साथ सीखा भी है।
हाँ चलिए बेटा, अब हम टर्न करते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसी के रिलेटेड में हम क्वेश्चन पुट करें बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा वेट अ मिनट, मैम क्वेश्चन पुट कर ले, फिर आपके वन बाय वन सुनेंगे। यदि मैम आपको इसी के रिगार्डिंग, जो हमने सी एनिमल्स किए हैं इसी की रिगार्डिंग मैम आपसे क्वेश्चन पुट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको साथ साथ में बताया भी था, जैसे आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट सी एनिमल। सी सी एनिमल जहां पूछा गया है, लार्जेस्ट सी एनिमल। बेटा लार्जेस्ट सी एनिमल वेल। वेल इज द लार्जेस्ट सी एनिमल, ये बहुत बड़ी होती है। ओके मैम प्लीज अपने फोन का माइक ऑफ कर लें। तो विच इज द लार्जेस्ट सी एनिमल वेल। नेक्स्ट इज, विच सी एनिमल लुक लाइक अ हॉर्स। सी हॉर्स, सी हॉर्स। फिर मैम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, विच सी एनिमल लुक लाइक अ हॉर्स। सी हॉर्स। नाउ विच सी एनिमल विच हैज एट लेग्स। एट लेग्स, जैसे मैंने आपको बताया था। वेरी गुड, अब तो आपको आंसर जल्दी से आ रहे हैं। ऑक्टोपस हैज एट लेग्स। नेक्स्ट इज, यदि मैम और क्वेश्चन पुट करें, विच सी एनिमल लुक लाइक अ स्टार। स्टारफिश। ये सी हॉर्स है, ये लुक लाइक अ स्टार, ये स्टारफिश है। नाउ कैन अ फिश लिव ऑन लैंड। कैन अ फिश लिव ऑन अ लैंड, क्या फिश को हम लैंड पे रख सकते हैं, वो जिंदा रह सकती है? यदि हम फिश को पानी से बाहर निकाल के लैंड पे ले आए तो क्या वो जिंदा रह सकेगी? नो, आंसर इज नो। ठीक है बेटा, फिर मैम आपको क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है जो, विच इज द लार्जेस्ट सी एनिमल, आंसर इज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सी एनिमल लुक लाइक अ हॉर्स। सी हॉर्स। वेरी गुड, एंड विच एनिमल सी एनिमल्स लुक लाइक अ स्टार। स्टार फिश। विच सी एनिमल्स हैज एट लेग्स। ऑक्टोपस। कैन अ फिश लिव ऑन अ लैंड? नो, फिश को यदि पानी से बाहर निकालें तो थोड़ी देर के बाद वो डेड हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बेटा थे इसके क्वेश्चन आंसर। तो आज हमने किए सी एनिमल्स, उनके साथ रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी पुट किए, और कल मैंने यस्टरडे आपको बोला था, थॉट भी बताया था कि इस वीक का थॉट कौन सा है। एनीबॉडी टेल मी, कोई बच्चा बता सकता है? कल मैंने आपको क्या थॉट बताया था जो आपकी स्टोरी के साथ रिलेटेड है? ओ वाओ, किसने बताया है? मनवीर कौर ने। वेरी गुड, वेरी गुड। मनवीर, आपको मिलती है स्माइली, सिल्वर स्माइली। वेरी गुड, वेलकम बेटा। डोंट वेस्ट टाइम, जो आपकी स्टोरी के साथ रिलेटेड है। तो हमने, और मैंने बोला था कि आपने इसको अप्लाई भी करना है। हाँ जी, तो इसको आप कैसे अप्लाई किया, कैसे आपने कल सारा दिन जो आज भी है कैसे अप्लाई किया इसको, डोंट वेस्ट टाइम को? आपने टाइम वेस्ट किया क्या? बच्चों ने टाइम वेस्ट किया? नो। ओके वेरी गुड, क्या किया फिर जिसके साथ आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ? हाँ नो तो है, बट क्या किया आपने क्या आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ? स्टडी टाइम स्टडी, प्ले टाइम प्ले। हाँ जी, ओके जी, वेरी गुड रुद्र। उसने प्ले के टाइम प्ले किया, स्टडी के टाइम स्टडी, और ईटिंग टाइम ईटिंग, ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी करते हैं। ओके तो यदि हम बेटा हम हर चीज को अपने टाइम के अकॉर्डिंगली करें, ठीक है, ऐसे फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे अब आपने क्लास लगाई है ना, अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपना वर्क जल्दी से अपने अपने क्लास टीचर को सेंड कर देना है। यदि आपका काम नहीं हुआ तो जल्दी से वर्क कर ले, ठीक है, और फिर टाइम अपने टीचर को सेंड करें, ऐसे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। यदि हम बेटा अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारा सारा काम पीछे पड़ जाता है। तो हमें अपना टाइम वेस्ट
नहीं करना चाहिए। इसके साथ आपके मम्मा पापा भी खुश रहते हैं और आप भी। कई बार आपके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, आप कहते हो मैं बाद में करूँगा, और आपके पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं, फिर आपका वर्क रह जाता है। तो इसलिए हर बेटा वर्क को टाइम के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। तो ऐसे हम अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट नहीं करते। नहीं तो जैसे हमने कल स्टोरी भी सुनी थी क्रिकेट की, जो क्रिकेट था वो अपना टाइम वेस्ट करता रहता था। तो ऐसे आपने नहीं करना। आप साथ साथ में स्टडी करते जाओगे तो जब आपको मैम पूछेंगे तो आप झट से आंसर दे सकते हो। जैसे हमने सी एनिमल्स आज लर्न किए हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर, तो आप सी एनिमल्स को लर्न करें। आप और भी बता सकते हैं, ऐसे गेम गेम में खेल सकते हैं। मम्मा आप मेरे से सी एनिमल पूछे, मैं बताऊंगा बिना मैक्सिमम, जितने आप ज़्यादा बता सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। कि कौन मैक्सिमम बताएगा, जो ज़्यादा बता देता है वो विनर हो जाता है, उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। ऐसे हम गेम गेम के साथ खेलते खेलते लर्न भी कर लेते हैं, ठीक है। और हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जितना आपको काम दिया जाता है उसको साथ साथ करते रहें तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी मेरा बेटा। तो इसके साथ कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डोंट वेस्ट टाइम, और अपने पेरेंट्स का कहना मानेंगे, इसी के साथ हमारी ये क्लास फिनिश होती है। थैंक यू बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय 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 बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बच्चे।